नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। मैं पंकज सर, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर से क्रैश कर गई है, और जो उसके बड़े जो रीज़न है उसके बारे में आपको पूरी बात बताएंगे। और जो एक्सचेंज है बाइनेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज जो माना जाता है आज की डेट में, वो हैक हो गया है, तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा अपडेट। दोस्तों, रहे मार्केट जो है $11,500 पे काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन अब जो है बिटकॉइन का प्राइस फिर से $10,000 से नीचे आ गया है, और आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते के अंदर सबसे लो पे है। और 10,500 से अगर आप आज जो देखते हैं, ऑलमोस्ट 9,800 इस टाइम पे चल रहा है, और बिटकॉइन 10% टूट गया है, इथेरियम भी अप्रॉक्सीमेटली 10% टूट गया, रिपल भी अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास जो है पिछले 2 दिन के अंदर टूट गया। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि एक्चुअली क्या रीज़न है और अभी क्या लगता है। दोस्तों, अगर बिटकॉइन की बात करें तो $430 बिलियन के आसपास की मार्केट थी, और पूरे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट अगर देखें तो अगर आज का जो अपडेट देखते हैं, ऑलमोस्ट $400 यानी कि $30 बिलियन जो है पिछले 24 घंटे के अंदर वो टूट गया था। और अगर कॉइन मार्केट कैप पे अगर वही अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस टाइम पे $411, और अगर बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे तो $10,000 के आसपास चल रहा है। और अगर उसका अगर पूरा चार्ट देखेंगे, इथेरियम का चार्ट देखेंगे, इथेरियम भी जो है $800 है, उस पर काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी, और इस टाइम पर जो है $750 है जो है। और रिपल भी आप देखेंगे $1 के आसपास था, और इस टाइम पे दोबारे से 0.85 सेंट्स पे डॉलर पे चला गया है। तो दोस्तों, जो दो मेजर रीजन निकल के आ रहे हैं वो है, सबसे पहला है बाइनेंस, जो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है क्रिप्टो मार्केट का, आज सुबह जो है वो हैक हो गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाइनेंस है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आप नोटिस करेंगे और देखेंगे तो। अब एक्चुअली हुआ क्या था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे जैसे रेडिट है, ट्विटर पे कंप्लेंट्स आ रही थी ऑल्ट कॉइन्स के लेके, कि उनके बिना परमिशन के उनके अकाउंट में लॉग इन करके जो है उसमें ट्रेडिंग कर दी गई। एक अगर क्लाइंट की बात करें तो जैसे जूलियन 007 अगर उनकी बात करें, तो उनका कहना था कि उनके पास में पूरा USTD थे यानी कि US डॉलर थे $1,548, और अगर उनको देखें, उनको रिपल खरीदना था तो उन्होंने लॉग इन किया, $200 ही उनके अकाउंट में थे, बाकी जो है उनके नाम अकाउंट से 5 VIA कॉइन जो है बाय कर लिए गए थे। और मजे की बात क्या है कि उनका कहना है कि उन्होंने कभी अपने अकाउंट में लॉग इन करके विया कॉइन खरीदे नहीं है। तो ऐसी काफी कंप्लेंट्स आई हैं, और आप देख सकते हैं विया कॉइन का, और बहुत सारे जो है ट्विटर और जो रेडिट है उस पे, जो सोशल मीडिया पे 0.025 BTC तक जो है इसका प्राइस चला गया था, यानी कि कहीं ना कहीं हैक करके लोगों ने जो है, जो हैकर्स ने ये कॉइन्स खरीदे थे। और जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि हैकर्स ने ऑलरेडी विया कॉइन एडवांस में सस्ते में खरीदे हुए थे, और उन्होंने जो है ह्यूज सेल वॉल लगा रखी थी 0.025 BTC पे, यानी कि जो कॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी उसको जो है उन्होंने बहुत ऊपर के दाम में दूसरों के अकाउंट में खरीदवा दिए। और जो मेन कारण सामने आ रहा है वो ये है कि जो ट्रेडिंग बॉट्स होते हैं, जैसे कि गन बॉट हो गया, प्रॉफिट ट्रेलर हो गया, तो उसमें जो है हम अपनी जो प्राइवेट कीज़ या जो पब्लिक कीज़ होती हैं वो शेयर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो सब हैक हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट हैक हो सकता है। उसके लिए आपको ना 2FA लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको उसके अंदर लॉग इन करने की ज़रूरत है, आपकी API कीज़ से भी जो है ट्रेड करके ये काम किया जा सकता है। लेकिन जो बाइनेंस है उसने जो है ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो भी इरेगुलर ट्रेडर्स हैं उनको रिवर्स कर दिया गया है, और डिपॉजिट ट्रेडिंग विड्रॉल दोबारा से उन्होंने चालू कर दिए हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये चीजें हैक हो गई थी, और एक नहीं कई जो अकाउंट्स हैं वो जो है बाइनेंस पे हैक हो गए थे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप कुछ भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो अपना 2FA सिक्योरिटी रखिए, और दूसरे जो API कीज हैं वो आप कहीं और यूज ना कीजिए। और जो एक और कारण जो आ रहा है कि जो इन्होंने एक फेक ID बनाई थी, यानी कि फेक वेबसाइट बनाई थी बाइनेंस के नाम से, binance.com या binance.com, तो ऐसे कुछ जो है उन्होंने वेबसाइट बना के, तो कई लोग होते हैं जो डायरेक्टली गूगल पे सर्च मार के बाइनेंस पे सर्च मारते हैं, और वहाँ पे उन्होंने लॉगिन करके अपनी जो भी डिटेल्स थी वो डाल दी थी, और कहीं ना कहीं वो डिटेल्स उनकी फिर ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, और वो डिटेल्स हैकर्स के पास भी पहुँच गई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप करें लॉगिन तो आप हमेशा उसको बुक मार्क कर लीजिए पहले, और ऑथेंटिकेट कीजिए, चेक कीजिए कि जो डोमेन है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। दोस्तों, ये जो अकाउंट हैक हुए हैं बहुत लोगों के हुए हैं, और हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा हो, तो आप सबको पूरी सिक्योरिटी बरतनी है, 2FA प्रॉपर तरीके से लगाइए, APIs जितना कम हो सके वो यूज कीजिए, दूसरी साइट्स पे जाके APIs को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, हमेशा डोमेन पे नजर रखिए कि डोमेन आपको सही लग रहा है कि नहीं रहा, क्रॉस चेक कीजिए। अभी जो लेटेस्ट जो $10,000 से नीचे आने का कारण है वो यही समझ में आ रहा है, और जो दूसरा कारण है कि $11,500 से दोबारे से $10,500 पे आ गया था, तो उसका जो दूसरा कारण है वो फॉर्च्यून में एक रिपोर्ट छपी है, अगर आप उसको देखेंगे तो $400 मिलियन जो है बिटकॉइन की फॉर्म में
एक जो जैपनीज वेल है यानी कि जैपनीज इन्वेस्टर है वो डंप कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 400 मिलियन के, अगर मैं आपको बताऊं 400 मिलियन, कोई भी एक आईसीओ आता है वो 30 40 50 मिलियन रेस करता है और वो सक्सेसफुल होता है। तो ये अगर 400 मिलियन डॉलर अगर मार्केट में डंप कर देंगे तो कहीं ना कहीं हैवी सेलिंग आ रही है उसकी वजह से, और जो है प्रेशर बना हुआ है मार्केट के ऊपर भी। और तीसरा जो रीजन निकल के आ रहा है वो ये है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल है जो कि यूएसए का है, उन्होंने कहा है कि एक्सचेंज को भी जो है रेगुलेट होने की जरूरत है, रेगुलेटरी के अंदर जो है काम करने की जरूरत है पूरे रेगुलेशंस के साथ में लाइसेंस लेके रजिस्टर करके। तो दोस्तों रिसेंटली जो भी बाइनेंस के साथ में हुआ और जो एससीई है यूएसए की जो रजिस्टर अथॉरिटी है उसने जो बोला है कि एक्सचेंजेस को भी रजिस्टर करने के लिए जरूरी होगा, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है मार्केट थोड़ी सी पैनिक में आ गई और दोबारा से बिटकॉइन का प्राइस जो है 9500 डॉलर के आसपास आ गया था। लेकिन दोस्तों अगर सपोर्ट की बात करें तो 9500-9400 डॉलर बहुत अच्छा सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं यहाँ से हमें लगता है कि मार्केट जो है रिकवरी करनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर, और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, जैसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इन चीज़ों का एडवांटेज उठा सकें। अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।